एक घंटे के भीतर एक थाना क्षेत्र में दो स्वर्ण व्यवसायी पर हमला, इलाके में दहशत। वैशाली में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की देर शाम अपराधियों ने एक नहीं बल्कि दो स्वर्ण कारोबारियों को अपना निशाना बनाया। गोरौल थाना क्षेत्र में ही दोनों वारदातों को अंजाम दिया गया है। एक घंटे के भीतर दो स्वर्ण व्यवसायी पर हुए हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। गोरौल थाना क्षेत्र के सतपुड़ा गांव में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को हथियार दिखाकर 1,00,000 कैश और सोना चांदी लूट लिया। राजेश ज्वेलर्स के मालिक दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान चार अपराधियों ने हथियार के बल पर सतपुरा गांव स्थित स्वर्ण व्यवसायी को रोक लिया और हथियार दिखाकर 1,00,000 कैश और सोने एवं चांदियों को लूट लिया। मौके पर पहुंची गोरौल थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि एक ही थाना क्षेत्र में दो स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाया गया है। पहली घटना गोरौल थाना क्षेत्र के गोढ़िया की है, जहां सराफा कारोबारी दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दोनों को घेर लिया और गोली मार दी। गोली मारने के बाद मची अफरातफरी के बीच कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में दोनों पिता पुत्र को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जी बताइए क्या घटना हुई है? क्या घटना हुआ है कि मेरे पापा शाम को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे और जैसे ही दुकान से निकले गोढ़िया पुल पे चढ़े, अपराधी ने उनको गोली मार दिया, भाई और पापा को और जो भी सामान था उसको लूटपाट कर लिया। जब हमको पता चला बाद में तब फिर हम लोग आए, तो अभी तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार।